हेलो बच्चा लोग वेलकम बैक टू दी एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज ये अपना क्वेश्चन नंबर टू है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी फाइव क्वेश्चंस ईच ऑन रोटेशन रे ऑप्टिक्स मैग्नेटिज्म ईएमआई ग्रेविटेशन कर रखा है सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ठीक है तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं सवाल में हमसे कहता है अ फिक्स्ड सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज ड्रॉन अ चार्ज ई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस थ्री ए बाई फोर फ्रॉम ओ ऑन द लाइन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल और एक सेकेंड चार्ज ईडाश है विच इज सिमिलरली प्लेस एट अ डिस्टेंस फाइव ए बाई ट्वेल्व ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी सर्कल एंड देर इज नो नेट फ्लक्स थ्रू दी सर्कल राइट हमारे पास चार ऑप्शन है हमें बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है मोर देन वन करेक्ट सवाल है ये ठीक है तो ये जो सवाल है इसे सॉल्व करने के लिए आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए अगर नहीं है तो फिर आपको इस सवाल में इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा विच विल बिकम क्वाइट लेंदी तो सवाल के हिसाब से हमें क्या दे रहा है ये आपको एक्सेस है यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है ई e, और यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है ई e डैश और हमें ये वाला सेपरेशन दे रखा है विच इज़ बेसिकली फाइव ए बाई ट और ये वाला सेपरेशन भी दे रखा है विच इज़ थ्री एर तो इस सर्कुलर रिंग से दोनों चार्ज के वजह से हमें सवाल में कहता है नेट फ्लक्स ज़ीरो है इसका मतलब जितना फ्लक्स इस वाले चार्ज के वजह से इस आ, सर्कुलर आ, रिंग से क्रॉस कर रहा है उतना ही फ्लक्स इसके वजह से भी क्रॉस कर रहा होगा राइट right? चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक बार सॉलिड एंगल को रिवाइज कर लेना चाहिए अगर किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला नहीं पता है या फिर इसे कैसे अप्लाई करते नहीं पता है तो इसे ध्यान से सुनिएगा डेरिवेशन नहीं हम लोग करेंगे सिर्फ उसका फॉर्मूला और कैसे यूज करना है देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक सॉलिड स्फीयर है ठीक है आई हैव टेकन दिस कोनिकल रीजन कोनिकल रीजन हमने लिया है ये जो है आपका नॉर्मल प्लेनर एंगल है इसे हमने कहा अल्फा, ठीक है इस कोन के लिए यह आपको एक हाफ एंगल है अगर यह कोन है तो इस कोन का ये अल्फा हाफ एंगल है तो इसे हाफ एंगल भी कहते हैं ठीक है अगर यह एंगल अल्फा है देन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोनिकल शेप राइट दिस कोनिकल शेप गिवन बाय इसका सिंबल ओमेगा है और इसका यूनिट होता है स्टरेडियन दिस इज गिवन बाय टू पाई ब्रैकेट वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज सॉलिड एंगल ठीक है तो अगर हमसे कोई पूछे कि पूरे सॉलिड स्पीयर का और रादर कोई भी थ्री शेप का सिर्फ सॉलिड स्पीयर का ही नहीं इस पूरे थ्री शेप का टोटल सॉलिड एंगल कितना है पूरा सॉलिड एंगल कितना है तो आप ध्यान से अगर देखें हमें अल्फा को पाई पुट करना होगा अगर आपने अल्फा को पाई पुट कर दिया अगर अल्फा आपका पाई हो गया दैट मीन्स यू हैव कवर्ड दी एंटायर सॉलिड स्फीयर एंटायर थ्री स्ट्रक्चर क्योंकि नीचे भी ऑटोमेटिकली ये वाला चीज़ कवर हो रहा है ठीक है तो पूरे थ्री डी शेप का जो सॉलिड एंगल होता है वो निकालने के लिए आपको अल्फा की जगह पाई पुट करना होगा एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू टू पाई मल्टीप्लाइड क्योंकि so तो अच्छा. पाई है तो यह Q चार्ज के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में निकल रहा है ठीक है इन एवरी डायरेक्शन देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड राइट अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फ्लक्स क्रॉसिंग दिस सॉलिड स्पीय बाई क्यू बाई फ्लक्स इज रिलेटेड लाइन्स बनाई है वो आपको सिंबॉलिक है ऑफ दिस वैल्यू क्यू बाई एपसाइलन नॉट ठीक अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि इस, इस कौन से कितना फ्लक्स निकल रहा है इस क्लो इस कौन से कितना फ्लक्स निकल रहा है फॉर दैट वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल एंड यूनिटरी मेथड ठीक है तो जब आपका पूरा का पूरा सॉलिड स्पेयर था जब पूरा सॉलिड एंगल पाई था तब फ्लक्स क्यू बाई एप नॉट ठीक है तो जब आपका सॉलिड एंगल सिर्फ इतना वाला है एंड दिस सॉलिड एंगल इज ओमेगा गिवन बाई दिस फॉर्मूला तो जब आपका सॉलिड एंगल ओमेगा है देन द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस कोनिकल शेप या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस कोनिकल शेप इज हाउ मच यह आपको हो जाएगा क्यू बाई एप्साइल नॉट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा बाई फोर पाई प्लेन यूनिटरी मेथर्ड तो ये आपको हो जाएगा क्यू बाई एपसाइलन नॉट ओमेगा का वैल्यू टू पाई वन माइनस कॉस ऑफ एल्फा डिवाइड बाई फोर पाई यहाँ से टू कट हो गया तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे इस सवाल में और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एटलीस्ट एडवांस के पढ़ाई में बताया जाता है बच्चों को अगर नहीं पता है तो इसे नोट no डाउन जरूर कर ले ये हो गया आपको फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड दिस शेप ठीक है चलिए तो सवाल की ओर बढ़ते हैं हमारे पास ये रिंग है इसका रेडियस ए है ई चार्ज थ्री ए बाई फोर एंड ई डैश फाइव ए बाई ट्वेल्व राइट तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था इस ई e के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इस पूरे कोनिकल शेप में है ठीक है हमें सिर्फ उतना ही फ्लक्स लिखना है जितना इस रिंग से क्रॉस हो रहा है बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हर डायरेक्शन में है वी डोंट केयर अबाउट दिस राइट एट द सेम टाइम इस ई डैश के वजह से भी आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो हमसे कहता है कि नेट फ्लक्स जीरो है इसका मतलब ई के वजह से जो फ्लक्स है और ई डैश के वजह से जो फ्लक्स है वो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा राइट right? चलिए तो अंदर वाले लाइन्स को फिलहाल के लिए हटा देते हैं राइट हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक्सट्रीम लाइंस को ड्रॉ करके रखते हैं ओके okay. तो so जैसा कि अभी हमने कहा फ्लक्स ड्यू टू ई शुड बी इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू ई डैश आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कोनिकल शेप में पूरा नहीं बोल रहे हम ठीक तो ये अपना हाफ एंगल अल्फा वन हो गया ये अपना हाफ एंगल अल्फा टू हो गया तो फॉर्मूले के हिसाब से ये फाइव ई e कितना होगा इज गोइंग टू बी ई फॉर्मूला क्या था क्यू बाई टू एप्स एल नॉट तो ई बाई टू एप्स आई नॉट वन माइनस कॉस एल्फा वन इज इक्वल टू ई प्राइम डिवाइडेड बाई टू एपस एल नॉट वन माइनस कॉस ऑफ एल्फा टू ठीक है यहां से आपका टू एप्स एल 2 नॉट टू नॉट आप चाहो तो उड़ा दो दिस इज ई ब्राकेट वन माइनस अब कॉस एल्फा वन कितना होगा तो अगर आप ध्यान से देखें दिस इज योर ए ये आपका ए है तो ये हाइपोटेंस कितना हो जाएगा ये थ्री ए बाई फोर है ये वाला ए है तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट अंडर रूट दिस स्क्वायर विच इज नाइन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्सटीन प्लस ए स्क्वायर आप इसको जब करेंगे तो ये आपका ऊपर बनेगा ट्वेंटी फाइव विच मीन फाइव बाई फोर ए ठीक है अच्छा यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं ये आपका ए है ये आपका फाइव ए बाई टूल्व है सो दिस हाइपोटेनस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन फोर्टी फोर ऊपर बनेगा ऐड करने पे वन सिक्सटी नाइन जिसका हो जाएगा अंडर रूट थर्टीन और नीचे ट्वेल्व और बाहर में ए चलिए यहाँ पर लिखते कॉस अल्फा वन विच इज बेस दिस इज योर थ्री ए बाई फोर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस विच इज़ फाइव ए बाई

दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपका ई डैश मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस फाइव बाई थर्टीन तो ये आपको हो जाएगा एट बाई थर्टीन तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमें यहाँ पे ई e डैश चाहिए नहीं तो ये आपको फोर हो गया सो दिस इज़ इस थर्टीन को इधर ले आओ सो थर्टीन ई डिवाइडेड बाई फोर इंटू फाइव दैट इज ट्वेंटी दिस इज इक्वल टू ई डैश तो ई डैश इज इक्वल टू थर्टीन ई बाई ट्वेंटी एक ऑप्शन तो ये सही है इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है ठीक है फिर यहां पे कहता है कि ईड इज ग्रेटर ऐसा नहीं है ईडाश e क्या है थर्टीन बाई ट्वेंटी टाइम्स भी गलत है। अब हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए चेक करना बच रहा है द फ्लक्स थ्रू सर्कल ड्यू टू चार्ज इज दिस मच ठीक है तो सिर्फ ई e के वजह से फ्लक्स कितना था बेसिकली ये वाला पोर्शन को हमें सॉल्व करना है दिस पोर्शन हैज टू बी सोल्व तो अब ध्यान से देखिए अगर तो दिस इज योर ई बाई टू एपसाइलन नॉट अभी हमने देखा वन माइनस कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा वन इज नथिंग बट थ्री बाई फाइव दिस इज योर थ्री बाई फाइव दिस इज फ्लक्स ड्यू टू E. तो ये आपको हो जाएगा ई अपॉन टू एपसाइलन नॉट मल्टीप्लाइड बाई दिस बिकम्स टू बाई फाइव तो टू से टू अपना खत्म दिस बिकम्स ई अपॉन फाइव एपसाइलिन नॉट एंड दिस इज मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर ए तो ए भी अपना सही जवाब है ठीक है सो आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आया हो होगा और थ्री डी एंगल का सॉल्ट एंगल का भी बहुत रेलिवेंस है इवन जे एडवांस में पहले भी सवाल आया हुआ है ठीक है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलिए हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे सवालों में तब तक के लिए टेक केयर बाय